चोरों की तरह, बेईमानों की तरह, मक्कारों की तरह आपने रातों रात स्टैचू हटाई है, इसका मतलब आपके भीतर में काला था। चंद्रशेखर जी ने कहा, परसों ही कहा है कि मेरे जैसे अगर 20 सांसद इस पार्लियामेंट में हो जाएगी तो इनकी औकात नहीं है। कि आज बोलने वाले, लिखने वाले और उनकी आंखों में आंख मिला के बात करने वाले हमारे सांसद के अंदर पहुँच रहे हैं। और आज इस देश के अंदर जो दलित समाज का युवा जो लड़ने के लिए आ रहा है, किसी के अंदर कहीं भी नहीं है। इससे हमारे को उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि हम बाबा साहब के स्टैचू को वहीं स्थापित करेंगे। और तमाम इस देश के और लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर समय रहते आप नहीं सचेते तो आपका सत्ता नाश करने के लिए ये बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस भी कम नहीं है। आप लोगों को एक साथ आना चाहिए और तमाम लोगों को इस के अंदर आप अपने स्टैचू को लगवाने के लिए रोडों पर कोहराम मचा दो। अगर आज स्टैचू नहीं लगती है बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले की, तमाम महापुरुषों की, तो ये देख लेना ये हमारी गलती होगी, हमारी नाकामी होगी और इसका सरकार हमारे को गुमराह करके और कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। नहीं, पीछे क्यों लगाई, सवाल तो यही है ना। आप पार्क आगे बढ़ा देते, पार्लियामेंट तो अब नहीं बन चुकी है ना भाई, यहाँ पे ही इतनी काफ़ी स्पेस है। मैं एक दफ़ा नहीं है, 2012 से लगातार जा रहा हूँ और कितने देश के कितने स्टॉल लगती हैं। देश का जो भी व्यक्ति आता है वो वहाँ से प्रेरणा ही लेकर के जाता था, इस बात का तमाम इस देश के लोग जानते हैं। और पीछे लगाने का एक मतलब, पीछे क्यों, आगे बढ़ाया जाता ना किसी भी चीज़ को आगे, लेकिन ये कहाँ लेकर जा रहे हैं पीछे, मतलब आपको तोड़ना चाहते हैं। आप क्यों हटाई, हम ये कह रहे हैं किसी की भी नहीं हटानी चाहिए, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे किसी की भी नहीं हटानी चाहिए थी और आपने हटानी थी तो और पूरा देश पड़ा है। निर्माण कार्य चल रहा है, अरे निर्माण कार्य और वही एक ही जगह पे चल रहा है। आपने उस कोई प्रस्ताव पास करा, आपने कोई कमेटी बनाई, कोई आपने अखबारों में बताया, चोरों की तरह, बेईमानों की तरह, मक्कारों की तरह आपने रातों रात स्टैचू हटाई है, इसका मतलब आपके भीतर में काला था। ये सपा सी जनता को पता, पहले भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए आंदोलन हुआ, अरब हटिया फिर आंदोलन हुआ। बिल्कुल आंदोलन होगा, क्यों नहीं होगा, ये हमारे, मैं कह रहा ना, मैंने जैसे कहा ये टेस्ट लेना चाह रहे हैं और टेस्ट में हम फेल होने वाले नहीं है। ये जितने मर्जी षड्यंत्र रच ले, इनके षड्यंत्रों को तोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। कि इस देश के अंदर जो गूंगी बहरी सरकारें जो चल रही हैं, उनका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि इस देश के अंदर जो बहुजन समाज है उसको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए। क्योंकि लगातार, चाहे पार्लियामेंट की हम स्टैचू की बात कर लें, जो इतने लंबे समय से आज तीसरी चौथी दफ़ा जो है जंतर मंतर पे आना पड़ा है हम लोगों को, सिर्फ ज्ञापन पहले भी दिए गए हैं, पहले भी सरकार को आगाह किया गया है कि समय रहते हुए ये बहुजन समाज कहीं और ज़्यादा भारी आक्रोश में ना आ जाए। वो महापुरुषों की स्टैचू बड़ी जद्दोजहद के बाद में वहाँ लगवाई गई थी, वहीं दोबारा से स्थापित की जाए। पूरे देश के आम जनमानस, बच्चे से लेकर जवान तक जो है, बूढ़ा, तमाम लोग जो है 14 अप्रैल को वहाँ पर आते थे और महापुरुषों के दर्शन करके पूरे अपनी फैमिली को, समाज को एक जागृत करने का प्रेरणा स्थल हमारा था। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि किसी भी तरीके से इस समाज के अंदर जागृति ना आए, अंधविश्वास, पाखंडवाद फैले, ये इनका एक प्रोपगंडा वर्तमान की सरकार का। हम जहाँ थी वहाँ पर क्या दिक्कत थी, मेन गेट से जैसे ही हम एंट्री पॉइंट पर जाते थे तो तमाम लोग वहाँ पर दर्शन करते थे और इस देश के अंदर एक भाईचारे का, अमन शांति का एक संदेश जाता था, एक समाज के अंदर कितना बड़ा वो प्रेरणा थी हमारे लिए। अब आप करो जो पीछे लगा दी, मतलब आपके दिमाग में यही गंदगी भरी हुई है कि कोई भी चीज़ उसको पीछे कर दो। अरे उसको पीछे की बजाय बाहर करना था, आम जनता के लिए खुला छोड़ना था, लेकिन आपने एक तो पार्लियामेंट से उस स्टैचू को पीछे कर दिया, नई पार्लियामेंट में स्थापित करना चाहिए था मेन गेट के ऊपर, वहाँ तो नई में नहीं किया, लेकिन इसको पीछे कर दिया। इनकी मानसिकता इससे साफ दर्शाती है कि ये कहीं भी बहुजन समाज को आगे नहीं बढ़ने देता। बाबा साहब की लड़ाई कोई मूर्ति लगाने की लड़ाई थी? देखिए, विचारों की लड़ाई है, इस बात से हम कोई किंतु परंतु नहीं है, विचारों की लड़ाई है, लेकिन वो आस्था का केंद्र है। इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर, इस देश का सबसे बड़ा जहाँ मंदिर था, जहाँ सारी चीज़ों का सबके लिए न्याय, वहाँ मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन वहाँ से वो चीज़ हटा दी गई है तो उस सरकार पर किस तरीके से भरोसा किया जा सकता है? भरोसे लायक ये सरकार नहीं है, इसके मन में खोट था। अगर खोट नहीं था, पार्लियामेंट तो नहीं बन गई ना, तो फिर उसको हटाने की क्या हो सकता थी? बीजेपी में जो दलित नेता, दलित नेता जो हैं वो मानसिक गुलाम परिस्थिति के हैं। अगर दलित, अगर नेता कहा जाए तो नेताजी तो आज एक नए आए हैं चंद्रशेखर रावण, जिस दिन से वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं वो लगातार एक ही बात करें कि स्टैचू वहीं लगनी चाहिए
और तमाम मुद्दे इस देश की बहन बेटियों से लेकर खिलाड़ियों से लेकर मजदूरों से लेकर किसानों से लेकर वंचित शोषितों के, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, वो एक एक मुद्दे पर मुखरता से बात रखते हुए आ रहे हैं। ऐसे जब बहुजन समाज के पार्लियामेंट में जाएंगे तो इनकी औकात नहीं, स्टैचू को ये पीछे लगा दें। स्टैचू को तो आज भी हम वही कह रहे हैं कि स्टैचू तो आपको वही स्थापित करनी पड़ेगी। लड़ाई तो प्रतिनिधित्व की है ना, आप लोग अपनी एनर्जी प्रतिमा पे खर्च कर रहे हैं। नहीं, ये आप बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूर्ति भी हमारा एक आस्था का केंद्र है। जैसे हर कोई कावड़ लेने के लिए चला जाता है, उनकी आस्था है, और सरकारें कितना जो उनके लिए फूल बरसाते हैं, कितने उनके लिए शिविर लगाते हैं, कौन शिविर लगाने वाले हैं, कौन फूल बरसाने वाले हैं, ये बात भली भांति इस देश के बहुजन समाज समझ रहा है धीरे धीरे। लेकिन वो अंधविश्वास है, उससे कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है। लेकिन बाबा साहब की, अंबेडकर जी की, ज्योतिबा फूले की, माता सावित्रीबाई फूले की, फातिमा शेख की, अगर आप 5 सेकंड के लिए भी अगर फोटो को अच्छी तरीके से नहारोगे, उसको देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। उन्होंने कोई तलवार नहीं ले रखी, कोई धनुष बाण नहीं ले रखा, कोई गदा नहीं ले रखी। इस देश के अंदर स्कूल बनाए हैं, इस देश के अंदर उन्होंने अच्छे अच्छे मेडिकल बनाए हैं, इस देश के अंदर अमन शांति के लिए तमाम साफ सफाई से लेकर के, और जहां पढ़ने तक का अधिकार नहीं था वो वहां से हमने मिले हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये पाखंडवाद से हट करके, और बाबा साहब की स्टैचू इसीलिए कि हमारे लिए सबसे बड़ा एक मतलब आइकन है, वो उससे हमारे को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं, जिसके नेता ये कहते हो कि संविधान बदल देंगे अगर 400 पार हमारी सीट होती है, इस बीजेपी से आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इस बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। हम लगातार जब से ये 14 में सरकार आई थी, पहले वो व्यक्ति हैं इधर ये शपथ ले रहे थे, और हम इनके दरवाजे पर जा करके जय भीम के नारे लगा रहे थे। हमने पता, इनसे बड़ा इस देश के अंदर अगर कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा करते हैं और दलितों में भी अगर कोई फाड़ डालने का काम करते हैं तो आरएसएस और बीजेपी है। बार बार संविधान बदलने की बात ये कहते हैं, क्या जरूरत है, इस देश में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो ये जो चीज है, इनको भली भांति पता है कि इस देश का 85% लोग है वो सारे एक मूवमेंट में, एक विचारधारा में आने लगे हैं। इसीलिए इस तरीके के खुद नहीं करते तो इनडायरेक्टली ये जाके कभी कोर्टों से करवाने का प्रयास करते हैं, और कभी ये अपने आरएसएस के गुंडों को, किसानों को जब आतंकवादी कहता है, महिलाओं को ये 400 रुपए वाली बिकने वाली जो इनकी सांसद बोलती हो, तो इनसे कोई उम्मीद किसी प्रकार की नहीं की जा सकती। लेकिन ये जनता है, ये स्टैचू तो वहीं लगेगी, ये जनता आज आप देख लो, आज और अभी तो 10:30 बजे हैं, अभी धीरे धीरे देखना कारवां कितना बढ़ेगा, लोहे के चने चबवाने का काम करेंगे। तमाम यूपी, बिहार, राजस्थान, केरला, और मैं खुद हरियाणा से आ रहा हूँ, धमकी दी जा रही है, धमकी बिल्कुल चेतावनी है। अगर समय रहते 400 पार कहने वाले कुकर मुत्ते कहाँ चले गए आज, वो आज उनको पता नहीं है आगे 240 पे है, और ये भी कितनी हेरा फेरी करी है, 10,000 वोटों की, 5,000 वोटों की, 1,000 वोटों की हेरा फेरी करके ये 240 पहुंचे हैं। इस देश की जनता को सब पता है कि किसके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। जब आप 10% रिजर्वेशन देने की बात होती है, कोई देश में धरने नहीं होते, कोई प्रदर्शन नहीं होते, और ये एक मिनट में जगह सारे के सारे हमारे वाले भी जो नालायक निकम्मे और जलील लोग थे, उन्होंने भी टेबलों को थपथपाने का काम किया। आज हम पूछना चाहते हैं उनसे, जो जनेऊधारी आरक्षण था उसका समर्थन किया, ईडब्ल्यूएस का, उनका वो कहाँ थे, क्या खा रहे थे, भांग खा के सो गए थे उस टाइम में? ये तो इस देश की जनता को पता है, और इनका हाल, जो इनका साथ देने वाले हैं उनका भी, और बीजेपी आरएसएस का इस देश से पतन होने वाला है। सरकार ये चाह रही है कि ये लोग रोड पर कितने आए, ये 2 अप्रैल जैसा आंदोलन करवा करके ही मानेंगे इस देश के अंदर। इनको पता है कि इस देश के अंदर दलित ही ऐसा है, अपने हक अधिकार से पीछे नहीं हटता, बाकी इस देश के अंदर तमाम सारे और लोग हैं वो कभी भी अपने हक अधिकार के लिए नहीं आगे आते। तो इसीलिए उनको पता है कि इनका टेस्ट चेक कर रहे हैं, कितनी एनर्जी बची है, कितनी ताकत बची है, लेकिन ये ताकत का वो फैमिली में कोई और कदम ना उठा ले। 2024 के चुनाव में संविधान लेकर जो लोग वोट मांग रहे थे, आज वो नहीं आ रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए। तो वही है ना, ये तो दलितों को सोचना चाहिए, वंचितों को सोचना चाहिए, जो लगातार इस देश के अंदर संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे थे, लाल रंग की डायरी, वो आज उनके मुंह में क्या दही जम रही है, वो आगे फिर विधानसभा के चुनाव में गेम करेंगे, और ये गेम को समझना पड़ेगा। कांग्रेस कोई भली नहीं है,
इस बात को हम बार बार कहते आ रहे हैं कि ये नागनाथ और सांपनाथ हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा है और हम उनकी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। इनसे दोनों से सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को, तब जा करके हम कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों के मान सम्मान और उनके हक अधिकार की लड़ाई और अपने हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे।